अलीराजपुर जिले में एक शिक्षिका द्वारा पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान को लेकर की गई गलत टिप्पणी से नाराज मुस्लिम समाज ने शिक्षिका की गिरफ्तारी को लेकर थाने का घेराव किया और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंप कर सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला अलीराजपुर जिले के न्यू टैलेंट पब्लिक स्कूल का है, जहां टैलेंट पब्लिक स्कूल के बच्चों से धर्म ग्रंथ के रचयिता का सवाल पूछा गया था, जिसमें बच्चों द्वारा इस्लाम पर टिक लगाई गई, जिस पर शिक्षिका ने खफा होकर बच्चों के समक्ष धर्म ग्रंथ को लेकर गलत टिप्पणी की। इस घटना से मुस्लिम समाज में नाराजगी है और वे सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अलीराजपुर में एक बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट पीछे न्यू टैलेंट पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल है, काफ़ी टाइम से चल रही है, जहाँ पर 85% मुस्लिम बच्चे शिक्षा लेते हैं। वहाँ पर एक शिक्षिका जो टीचर है, उनका नाम प्रियंका शर्मा है, जो कि मुस्लिम बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने और कुरान शरीफ के बारे में बोला है कि आप जो है तो ये कुरान शरीफ के आपका बाप दादा लगता है, मतलब कि जो शब्द मैं बोल नहीं सकता आपके सामने टीवी पर, अच्छा नहीं लगता, बट हालात के मान से बोलना पड़ा कि ऐसी शिक्षिका को एक शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो हमारे देश में हम जहर फैला रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसी शिक्षिका को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसे बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अलीराजपुर से बब्बू मकरानी की रिपोर्ट।